नई लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे बीबी के न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहे। एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकन के अमेरिका में कपड़े उतार कर चेकिंग करने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब एक एयरलाइन के सुरक्षा कर्मियों ने पर अपने ही क्रू मेंबर्स के कपड़े उतार कर चेकिंग की मामला सामने आया है। ताज़ा मामला स्पाइस जेट का है, जहां एयर होस्टेस ने अपने ही सुरक्षा कर्मियों पर चेकिंग के नाम पर गंदी हरकत करने का आरोप लगाया है। एयर होस्टेस का आरोप है कि एयरलाइन का सुरक्षा स्टाफ बेहद गलत तरीके से उनकी चेकिंग करता है। मौका मिलने पर उनके प्राइवेट पार्ट छूने की कोशिश की जाती है, यहाँ तक कि साथ ही पीरियड के दौरान उनके सैनिटरी पैड तक को देखा जा रहा है। इस बात की शिकायत एयरलाइंस के गुड़गांव ऑफिस में की गई है। स्पाइस जेट एयरलाइन की एयर होस्टेस ये टॉर्चर बीते 3 दिनों से झेल रही हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पर एयरलाइनर्स के सुरक्षा कर्मियों ने एयर होस्टेस के कपड़े उतार कर चेकिंग की। एयर होस्टेस ने आरोप लगाया कि फ्लाइट से उतरने के बाद ये हरकत कई दिनों से दोहराई जा रही है। सिक्योरिटी उनसे हैंड बैग से सैनिटरी पैड भी निकालने को कहते हैं। सिक्योरिटी गार्डों की इस हरकत की शिकायत केबिन क्रू ने गुड़गांव ऑफिस में शिकायत की है। साथ ही चेन्नई एयरपोर्ट पर केबिन क्रू ने विरोध किया, जिसके चलते कोलंबो जाने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट 1 घंटा लेट हो गई। कपड़े उतार कर होती है केबिन क्रू की चेकिंग। चेन्नई में विरोध करते हुए केबिन क्रू ने एक वीडियो भी बनाया है, जिसमें कुछ एयर होस्टेस कपड़े उतार कर चेकिंग करने का जोरदार विरोध कर रही हैं। वीडियो में एक महिला कहती नजर आ रही है, एक शख्स ने मुझे अजीब तरह से छुआ जो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। उस वक्त मैं निर्वस्त्र थी। दरअसल इस पूरे मामले की मूल वजह है एयरलाइंस का केबिन क्रू पर शक, क्योंकि उन्हें शक है कि केबिन क्रू खाने पीने का सामान बेचकर पैसा इकट्ठा करते हैं, इसलिए फ्लाइट से नीचे उतरने के बाद उन्हें वॉशरूम जाने तक की इजाजत नहीं दी गई है, जिसका केबिन क्रू लगातार विरोध कर रहे हैं। एक एयर होस्टेस ने बताया कि एयर होस्टेस की पिछले 3 दिनों से कपड़े उतरवा कर चेकिंग की जा रही है और गलत ढंग से छूने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं एक एयर होस्टेस को पीरियड्स थे, उनसे हैंड बैग से सैनिटरी नैपकिन निकालने को कहा गया। ऐसा नहीं है कि इसकी किसी से शिकायत नहीं की गई है, लेकिन उनकी कोई अब तक सुनवाई नहीं हुई है। शिकायत में एक एयर होस्टेस ने लिखा, क्या सैनिटरी पैड और प्राइवेट पार्ट को टच करना पॉलिसी में आता है? वहीं दूसरी ने लिखा, हम केबिन क्रू को लोगों की सेफ्टी के लिए रखा जाता है, लेकिन हमारी सुरक्षा का क्या? हम बलात्कार और छेड़छाड़ के बारे में बात करते हैं, यह किसी से कम है? राइट दो ताताई उन मारक। मेरे अंडर गार्मेंट्स की चेकिंग की गई। चेकिंग के नाम पर हो रही बदतमीजी की शिकायत करते हुए हेयर होस्टेस ने लिखा, मैं एकदम हैरान हूं और अजीब सा फील कर रही हूं। मुझे पीरियड्स हैं और सिक्योरिटी ने मेरे अंडर गार्मेंट्स की भी चेकिंग की। मुझे गलत तरह से छूने की कोशिश भी की गई। ये आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ है। क्रू मेंबर ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, लेकिन हमें यहाँ अपमानित किया जा रहा है जैसे हमने कोई डकैती की हो। राइट दो ताताई उन मारक। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में स्पाइस जेट के सीनियर ऑफिसर ने कहा कि यह आरोप बेबुनियाद है। फिलहाल मैं इस मामले में कुछ टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ, मैं अभी अपने दफ्तर पर भी नहीं हूँ।